दोनों में फास्टेस्ट डिलीवरी आपको मिला था? गुजरात टाइटंस ने मुझे एज ए नेट बॉलर बुलाया, कैर ने ऑब्वियसली मुझे पहले देख रखा था। उस टाइम पे सच्ची बताऊँ तो ना रोना आ रहा था ना हंसना आ रहा था, तो कलम तो इज लाइक आज तक का सबसे बढ़िया कोच मैं कहूंगा, कूलेस्ट बंदा। सुनील नारायण की फील्डिंग के बारे में तो सबको पता ही है, बिल्कुल झुकेगा नहीं। वेलकम टू क्रिकेट कल्ट ऑफिशियल, एंड आज मेरे साथ एक इंडिया के युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी है जो कि केकेआर के लिए खेल चुके हैं, हर्षित। हर्षित कैसे हो आप? मैं गुड, आप बताओ। हर्षित आप ऑब्वियसली रसिक सलाम के लिए आपको अभी केकेआर में लिया गया, तो और मैं दर्शकों को बता दूं कि मिचेल मार्श जैसे धुरंधर की आपने विकेट ली, और शायद आप दो मैच खेले दोनों में फास्टेस्ट डिलीवरी आपको मिला था। हाँ जी हाँ जी। तो क्या मतलब बताइए, थोड़ा अपना राज बताइए, कैसे क्या करें हमारे यंगस्टर्स जो देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए आपके जैसे तगड़ा होने के लिए? फास्ट बॉलिंग तो एक हमेशा एक चीज़ रही है कि जितनी आप ट्रेनिंग करोगे उतना अच्छा आप तेज डाल पाओगे। मतलब मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमेशा ये चीज़ बताई है, अगर आप बॉलिंग कम करोगे तब भी चलेगा, बट आपको ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए, तो जितनी ट्रेनिंग करोगे उतना आपकी बॉलिंग इफेक्टिव हो जाएगी। तो हर्षित, जब आप ऑक्शन में थे और इनिशियली आपका नाम नहीं आया था, तो उस वक्त पे कैसी फीलिंग थी? और फिर जब रसिक सलाम इंजर्ड हुए, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि कोई इंजर हो, लेकिन एक वो बोलते हैं ना कि आपको मौका मिल गया, तो दोनों सिचुएशंस में क्या आपको क्या लग रहा था और क्या डिफरेंस था वो बताइए, पहले जब नहीं सिलेक्ट हुए तब कैसा लगा और फिर जब नाम आया तो कैसा लगा? ऑक्शन के टाइम पे तो मतलब मैंने फॉर्म भरा था जैसे कि सर ने भरवाया था, तो मैं यूँ था कि ऑक्शन में नाम आएगा, बट नाम नहीं आया था ऑक्शन में, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी क्योंकि नहीं आया नाम, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं और अच्छा करेंगे, बट फिर गुजरात टाइटन्स ने मुझे एज ए नेट बॉलर बुलाया, तो फिर काफ़ी यूँ हुआ कि हाँ भाई मेरे को मौका तो मिलेगा, कि कोई मुझे देखेगा तो पता तो चलेगा कि कौन है हर्षित राणा। तो केकेआर ने ऑब्वियसली मुझे पहले देख रखा था, और कहीं ना कहीं मुझे होप थी कि अगर कुछ ना चाहते हुए भी किसी को कुछ होता है तो वो मुझे बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला हुआ था। तो जब मैं एटलीस्ट 4 से 5 दिन रहा था गुजरात के साथ, तो तब मेरे पास कॉल आया था केकेआर से कि यू हैज बीन पिक्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर रसिक सलाम। तो उस टाइम पे सच्ची बताऊँ तो ना रोना आ रहा था ना हंसना आ रहा था, तो मैं पूरा ब्लेंड था कि नम फीलिंग थी बिल्कुल। तो यार केकेआर में कितने दिग्गज है, जैसे श्रेयस अय्यर आपके कप्तान थे जो अभी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, ब्रेंडन मक्कलम जो अब इंग्लैंड के कोच बन गए हैं जाके, तो आप पहले तो सबसे ज़्यादा किससे पटी आपकी, फास्ट बॉलर से या और दूसरा सबसे ज़्यादा सीखने को किससे मिला? फास्ट बॉलर्स में सभी काफ़ी अच्छे थे, सभी काफ़ी सिखाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सबसे छोटा था पूरे कैंप में, उमेश यादव सबसे छोटा था पूरे कैंप में, तो सब पूरा इतना ध्यान रखते थे कि कैसे तुझे अपना बिहेवियर रखना चाहिए, तुझे कैसे मतलब खाली बॉलिंग नहीं, वो आउटसाइड द गेम की भी चीज़ें बताते थे कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और मैकलम तो इज़ लाइक आज तक का सबसे बढ़िया कोच मैं कहूँगा, कूलेस्ट बंदा, कभी टेंशन नहीं लेते, किसी चीज़ की दिक्कत है उसको। कुछ यार थोड़ा हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो कुछ हमें यार थोड़ा कुछ बताओ, कोई फ़नी इंसिडेंट, आईपीएल में माहौल कैसा रहता है जब ऑफ डेज होते हैं, हल्का रहता है, तो यार कुछ फ़नी हुआ हो, कुछ हुआ हो सुनील नारायण के बारे में बताओ, कुछ यार फ़नी बताओ। सुनील नारायण की फील्डिंग के बारे में तो सबको पता ही है, बिल्कुल। तो सुनील नारायण जब फील्डिंग करता है पूरे डगआउट में सबसे पहला एक वो डायलॉग होता है, मैं झुकेगा नहीं, क्योंकि वो बॉल पकड़ता ही नहीं है, झुकते नहीं है वो, मतलब पकड़ता फील्डर तो ऑब्वियसली अच्छे है बट वो थोड़ा होता है, तो सबसे पहला डायलॉग डगआउट में होता है मैं झुकेगा नहीं। चलो थैंक यू सो मच यार हर्षित, इतना आपने इतनी गर्मी में मैच खेलने के बाद हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और बस अपने माध्यम से अगर आप बोल सके कि क्रिकेट कल्ट ऑफिशियल को लोग फॉलो करें तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, एक बार आप प्लीज़ अपील कर दीजिए, प्लीज़ फॉलो क्रिकेट कल्ट ऑफिशियल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर्षित।